धर्मजगढ़ में आज फिर मिले 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज, सबसे अधिक 7 संक्रमित नीचे पारा में। धीरे धीरे फिर एक बार धर्मजगढ़ को भी कोरोना ने अपने आगोश में ले रहा है। 17 जनवरी को फिर 28 कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में धर्मजगढ़ ब्लॉक में 28 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। धर्मजगढ़ में हर दिन कोरोना मरीज मिलने के बाद भी लोगों में कोरोना का भय नहीं है। लोग बिना मास्क लगाए भीड़भाड़ में घूम रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन न तो क्षेत्र की जनता कर रही है न ही स्थानीय प्रशासन। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दुकानदारों को बिना मास्क लगाए आए मरीजों को सामान बेचना नहीं, दुकान के सामान हाथ धोने के लिए पानी, साबुन, सैनिटाइजर रखना है। लेकिन धर्मजगढ़ के एक भी दुकान के सामान आपको पानी या सैनिटाइजर नजर नहीं आएगा। खरीदार से लेकर दुकानदार खुलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों पर स्थानीय प्रशासन भी मौन धारण कर बैठे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने का नतीजा है कि धर्मजगढ़ के ग्रामीण इलाके में कोरोना मरीज की संख्या कम है, शहरी इलाके में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज नगरीय क्षेत्र में 22 कोरोना मरीज मिले हैं। मिरीगुड़ा में 3, छाल में 1, सलका में 2, अटल बिहरा, मस्जिदपारा, कोदवारी सिविल अस्पताल, पीपरमार सिविल लाइन, राजमहल में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं धर्मजगढ़ के नीचे पारा में 8, धर्मजगढ़ कॉलोनी में 5, नरई टिकरा में 2, कुल 28 लोगों को कोरोना ने आज मरीज बनाया है। कुमारी उमा यादव, धर्मजगढ़, रायगढ़।